नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड़ फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, खेती किसानी में सबसे बढ़िया अगर कोई व्यवसाय होगा तो वह व्यवसाय है देसी मुर्गी पालन का। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है मुर्गी पालन कौन सा भी हो, देसी का हो वहाँ पर, और उसके साथ कावेरी, आर आई आर, गिरिराज, वनराज, यानी कौन सी भी वरायटी या ब्रीड हो, इन वैरायटियों में सबसे ज़्यादा मुश्किलात आती है दोस्तों सर्दियों में। यानी क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में 100% जो मुर्गियाँ होती है वो अंडों का प्रोडक्शन घटाती है। लेकिन ऐसे में आपको एक ऐसी तरकीब आसानी से बताई जाएंगी कि जिसका इस्तेमाल करके आप 100% इन सर्दियों के मौसम में जो अंडों का प्रोडक्शन है वो लगभग 20 से लेकर 30% तक बढ़ा सकते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा तो ही आप यह तरकीब आसानी से सीख सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए ज़्यादा कुछ खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों ये क्या तरकीब है, किस तरह से इसको हमें आजमाना, जिससे कि हमारा मुर्गी पालन का व्यवसाय हमें सर्दियों के मौसम में भी 20 से 30% तक ज़्यादा अंडों का प्रोडक्शन दे सकता है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आप सभी भाइयों को एक विनती है कि आप सभी जन क्या करते हैं कि वीडियो आखिर तक देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों क्या करिए, आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुर्गी पालक भाई इनको शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा पर लिंक भी शेयर कर सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों, सब्सक्राइब हर बार रहता है, इसलिए आप क्या कीजिए, वीडियो की जो दाई साइड है वहाँ पर निचली तरफ आ जाइए, वहाँ पर एक लाल निशान दिखेगा आपको सब्सक्राइब का, उसको टच कर दीजिए। उसके बाद उसका कलर हो जाएगा चेंज दोस्तों, और बगल में आ जाएंगी घंटी, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन कर देंगे दोस्तों तो आने वाला हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकता है। और रही बात दोस्तों आपकी आने वाली हर समस्या की, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। आपकी आने वाली हर समस्या का आपको सोल्यूशन आने वाली वीडियो के साथ मिलता रहेगा। तो देखो दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय में सबसे ज़्यादा कमाई यानी 60 से लेकर 70% तक सिर्फ अंडे बेचकर होती है। लेकिन सर्दियों के मौसम में अंडों का प्रोडक्शन घटता है। और दूसरी बात है दोस्तों कि सर्दियों के मौसम में अंडों का रेट सबसे ज़्यादा होता है। ये दोनों भी बातें हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सर्दियों का जब मौसम शुरू होता है यानी जाड़े के मौसम में जो अंडों की गर्मी होती है उसकी वजह से अंडों का प्रोडक्शन जो होता है दोस्तों, वो हमें क्या लगता है कि साधारण तौर पर लगभग वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो 20 से लेकर 30% घटता है। लेकिन दोस्तों, लेकिन डिमांड और रेट देखेंगे तो हमें वहाँ पर कुछ तो भी गलत लगता है, क्योंकि मार्केटिंग बहुत अच्छी रहती है लेकिन अंडों का प्रोडक्शन घटता है। तो दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं कि एक आसान तरीका, एक देसी जुगाड़ यूज़ करके भी 100% अंडों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। कैसे, तो अभी देखते हैं दोस्तों विस्तार से। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि हमारे पास मुर्गियाँ कितनी भी होने दो, हमें क्या करना है हर हफ्ते में, वैसे तो हम क्या करते हैं कि साल भर में इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो हमें मिलने वाला रिजल्ट बेहद अच्छा मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें मिलने वाला रिजल्ट 20 से लेकर 30% ज़्यादा मिल सकता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि हर हफ्ते में एक बार, यानी कि समझो इस इतवार को यानी इस रविवार को आपने दिया तो अगले रविवार को, यानी आपको हफ्ता से हफ्ता मेंटेन करना है। यानी हमें क्या करना है दोस्तों कि 1 लीटर शुद्ध पानी लेना है, समझ लो दोस्तों यहाँ पर कि 1 लीटर शुद्ध पानी लेना है। और उसमें क्या करना है कि 100 ग्राम गुड़ लेना है दोस्तों। जो गुड़ अभी हमारे पास क्या होता है दोस्तों कि गुड़ जो होता है वो दो तरीका होता है कि किस तरह से, कि एक जो गुड़ लाते हैं हम जो दुकान से लाते हैं और दूसरा जो गुड़ होती है डायरेक्टली हम क्या खेत खलिहान से लाते हैं। लेकिन ऐसा गुड़ जो ऑर्गेनिक है कि जो हम डायरेक्टली वहाँ पर जो हमारे किसान भाई उनके पास से लाएंगे, तो वह गुड़ से मिलने वाला रिजल्ट जो हमारे दुकान पर गुड़ होता है उससे मिलने वाले रिजल्ट से 10 से लेकर 15% वहाँ पर ज़्यादा मिल सकता है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों कि 1 लीटर शुद्ध पानी ले, मुर्गियों की जो संख्या है वो कितनी भी रहने दो, हमें क्या करना है कि खास तौर पर जो मुर्गियाँ होती है, अभी आपको और एक बात बताता हूँ कि अगर आपके पास वहाँ पर जो ड्रिंकर्स होंगे, क्योंकि जो हमारे कुछ भाई है उनके जो बड़े बड़े शेड़े, तो उनके लिए क्या है कि आपके जितने ड्रिंकर बड़े, आपको सिर्फ साधारणता क्या करना है यहाँ पर कि हर 1 लीटर शुद्ध पानी में 100 ग्राम वहाँ पर गुड़ मिक्स करना है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर गुना भाग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका ड्रिंकर 5 लीटर का हो तो आपको आपको क्या करना है कि नॉर्मल तरह का 5 लीटर शुद्ध पानी लेना है और उसमें 500 ग्राम गुड़ मिक्स करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, गुड़ क्या करता है पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसका हमें क्या असर दिखाई देगा और ये कितने दिनों में, यह भी देखते।
तो दोस्तों गुड़ क्या करता है कि जो हमारी मुर्गी की सेंसिटिवनेस होती है, यानी कि मुर्गी के शरीर में क्या होता है दोस्तों कि एक ठंडापन होता है, यानी कि मुर्गी एक ऐसा यहाँ पर बर्ड है दोस्तों कि जिसके पास खुद का वहां पर जो अडेप्टेशन की जो सेंसेस होती है वो नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि अगर गर्मी बढ़ गई तो मुर्गी एडजस्ट नहीं कर सकती, अगर सर्दी गिर गई तो भी मुर्गी एडजस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह से इंसान को वहां पर पसीना आता है उस तरह से मुर्गियों को पसीना नहीं आता है। इसलिए दोस्तों यह जो मुर्गी है यानी यह जो बर्ड है दोस्तों इसमें यह प्रॉब्लम है। इसलिए अगर हम गुड़ देंगे तो इनकी जो ब्लड वेंस होती है वह खुल जाती है, और खुलने के कारण क्या होता है दोस्तों कि इनके बॉडी में गर्माहट आ जाती है। और आपको क्या पता है कि सर्दियों के मौसम में मुर्गियां अंडे क्यों कम देती है, तो इसका सबसे बड़ा अगर पॉइंट देखेंगे या कारण देखेंगे दोस्तों तो सर्दियों के मौसम में जो वातावरण में टेम्परेचर होता है वह डाउन होता है, और साथ ही में मुर्गी के जो शरीर का टेम्परेचर वह भी डाउन होता है। इससे क्या होता है कि मुर्गी जो अंडा तैयार करने के लिए उसके बॉडी में गर्माहट चाहिए होती है वह गर्मी ही न होने के कारण वहाँ पर अंडों का जो प्रोडक्शन है वो तैयार ही नहीं कर पाती, और अंडा तैयार ही नहीं अगर होगा शरीर में तो वह अंडा हमें प्राप्त हो सकता है क्या दोस्तों? 100% नहीं। लेकिन गुड़ देने से क्या होगा दोस्तों कि वह मुर्गी जो होंगी उसके शरीर में हर हफ्ते में वहां गर्माहट आएगी, और इसके कारण एक बार आपने गुड़ दिया तो उसकी जो पावर होती है वो लगभग 6 से लेकर 7 दिन तक टिकती है। अगर इसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिल गया तो यह तरीका आप हफ्ते में 2 बार भी आजमा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए दोस्तों इसका हमें क्या करना है, यूज हफ्ते में 2 बार किया सर्दियों के मौसम में तो भी हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। तो इसका अगर हम यूज करेंगे दोस्तों तो फिर एक बार जान लो कि यहाँ पर 1 लीटर शुद्ध पानी में हमें 100 ग्राम गुड़ मिक्स करना है। गुड़ अगर किसान भाई से लिया हुआ होगा तो उससे बहुत सहायता हो सकती है। दोस्तों हमें क्या करना है, सिर्फ एक बात सोच लो कि शाम के वक्त हमें यह जो डोसे नहीं देने का। इसका मतलब क्या है कि शाम के वक्त हमें क्या करने का है कि मुर्गियों को शाम को पानी पिलाने हैं, वहां से टोटल जो हमारे ड्रिंकर से वह निकाल देने, और सुबह सुबह यानी कि सुबह से 6 से लेकर 8 के बीच में हमें क्या करना है कि टोटल ड्रिंकर वहां पर भर लेने दोस्तों। और एक बार यहाँ पर प्रतिशत जान लो दोस्तों कि 1 लीटर शुद्ध पानी में 100 ग्राम इस हिसाब से आप ड्रिंकर भर लो, बस आपका काम हो गया। और हफ्ते में एक बार, लेकिन सर्दियों के मौसम में अगर हफ्ते में 2 बार करते हो तो इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। अभी इसका रिजल्ट मिलने में कितने दिन लगते हैं यह भी जान लो। तो दोस्तों यहाँ पर मुर्गी के शरीर में गर्माहट वहाँ पर तैयार होने के लिए कम से कम 48 से लेकर 72 घंटे लगते हैं। इसलिए आप जब से वहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वहाँ पर रिजल्ट मिलने के लिए कम से कम 8 से लेकर 10 दिन लगेंगे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में अगर आप गर्माहट के लिए गुड़ पानी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो यह बेहद अच्छा होता है, लेकिन इसका जो मुर्गी का शरीर एडजस्ट करने के लिए कम से कम 48 से लेकर 72 घंटे लेता है। उसके बाद मुर्गियों के शरीर में गर्माहट शुरू होती है, और वहां से 3 से लेकर 4 दिन जाने के बाद यानी यह गर्माहट शुरू होने के लिए 3 दिन और वह 4 दिन यानी 7 से लेकर 8 दिनों के बाद ही आपका अंडों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों आपको मुर्गियों के शरीर में गर्माहट बढ़ाने वाले जो कुछ वहां पर चीजें होती उनका इस्तेमाल करना है। इसमें जैसे कि आप जो मछली का वेस्टेज है उसके साथ लहसुन है, इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से सिर्फ 1 लीटर शुद्ध पानी में अगर 100 ग्राम वहां पर गुड़ मिक्स करते हैं और यह मिश्रण अगर हमारी मुर्गियों को देते हैं दोस्तों तो इन सर्दियों में 100% आपकी मुर्गियां आपको 20 से लेकर 30% तक ज्यादा यहाँ पर आराम से अंडों का प्रोडक्शन दिखा सकती है। लेकिन दोस्तों आपका फार्म कितना बड़ा है इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन बढ़ाना है, यानी कि आपकी मुर्गियां सुबह सुबह कितना पानी पीती है उस हिसाब से आपको दिन भर में भी यह डोज दिया तो आपको कुछ भी यहाँ पर साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों आने वाले सर्दियों के मौसम से अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पाना है तो दोस्तों अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाओ, और अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुर्गी के शरीर में गर्माहट लाओ, और गर्माहट लाने के लिए आप गुड़ पानी का इस्तेमाल कीजिए। यह गुड़ पानी का इस्तेमाल करके आप बिना किसी साइड इफेक्ट के आसानी से मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यह इलाज आप हर देसी मुर्गी में साथ ही में ब्रॉयलर छोड़ के हर मुर्गी में कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके मुर्गी पालन के व्यवसाय के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर आपका दोस्त उदय लाड़ आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक लाइक रहा होगा तो लाइक कीजिए, और शेयर रहा होगा तो आपको शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा पर वहाँ पर लिंक भेज दिए,
और सब्सक्राइब रहा होगा दोस्तों, तो वीडियो की दाई साइड निचली तरफ आ जाए, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज होकर बगल में एक घंटी आएंगे, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, यानी कि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आने वाला वीडियो आने तक आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।